बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, तो हम पहली बार उसको देख रहे हैं सामने, प्रेजेंटली हम देख रहे हैं उसको, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी बात है। हाँ, वो हमसे मिल रहे हैं इस दिन, हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम प्लेयर उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये भी एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और यही उम्मीद और आशा करते हैं कि आज प्रधानमंत्री के साथ हमारी इंटरेक्शन है तो हम भी अपनी राय रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के SKICC में आज शाम युवाओं से डायरेक्ट संवाद करेंगे। मेरे साथ कुछ युवा हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। मैम, अपना नाम बताइए और आज आप प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में जा रही हैं, कितनी खुशी हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस? मेरा नाम साइमा है, मैं वाटर स्पोर्ट्स की कोच हूँ और ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत है कि और हम वाटर स्पोर्ट्स को बूस्ट कराना चाहते हैं और जो यहाँ पे एक्सेल कराना चाहते हैं, बल्कि नेशनली इंटरनेशनल लेवल पे लड़कियाँ बहुत ही आ रही है वाटर स्पोर्ट्स में और लड़के भी हैं, दोनों एक्सेल कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। हमारी यही उम्मीदें हैं जो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनमें बूस्ट हो जाए, बढ़ जाए, और यही उम्मीद है हमारी। आप बताएं आपका नाम क्या है और क्या उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में आप जा रहे हैं? जी, मेरा नाम कफील अब्बास है, मैं रहने वाला हूँ शालीमार का और मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ इसमें योगा डे में, और इसलिए हम देखे हैं प्राइम मिनिस्टर आएंगे सुबह, उसे हम ये योगा के सिलसिले में देखेंगे और क्या बातचीत करेंगे। आप बताएं आपका क्या नाम है और क्या उम्मीद है आज प्रधानमंत्री से? सुहेल महाराज, मैं वाटर स्पोर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और हम मतलब जो यहाँ पर योगा कर रहे हैं, हम यहाँ पर मतलब थोड़ा सा सीखने आते हैं, जो हम प्राइम मिनिस्टर हमें सिखाने आते हैं, मतलब कुछ देखते आते हैं। हमारे पास मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन है, कुछ हम वहाँ से सीख के जाएंगे, योगा से ही कुछ होगा हमको, वही हमारे पास। तो पहली बार जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे, नज़दीक से देखेंगे, इसके लिए मतलब हम घर से निकलते हैं सुबह, मतलब यही योगा से ही होगा, स्कूल में जाते हैं वहाँ से भी कुछ एक्सरसाइज मतलब योगा वोगा करवाते हैं और इससे मतलब सेहत भी ठीक रहता है। अब नरेंद्र मोदी खुद भी योगा करने आ रहे हैं यहाँ पर, अब हम तो इस तरह से जो ये स्कूली बच्चे हैं यहाँ पे पहुँचे हैं SKICC में, आज शाम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कश्मीर के युवाओं से, स्कूली बच्चों से डायरेक्ट संवाद करेंगे, डायरेक्ट बातचीत करेंगे, और उसके साथ साथ करीब 3300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है उनका उद्घाटन करेंगे। कल सुबह 6 से 6:30 के बीच फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SKICC में पहुंचेंगे और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे, खुद भी योगा करेंगे। कैमरा पर्सन मीर महराज के साथ सोहेल, श्रीनगर। कुछ युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम है उनमें शामिल होंगे। बताइए कि प्राइम मिनिस्टर के यूथ एम्पावरमेंट वाले प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, आपका नाम क्या है और कितनी खुशी है? मेरा नाम अबरार शबीर है, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से बिलोंग करता हूँ। हम बहुत ही खुश है क्योंकि सपोर्ट्स की वजह से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। आजकल जो सबसे बड़ा मसला होता है कि ड्रग्स, इंसान को सपोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए ज़रूरी, ताकि वो ड्रग से दूर रहे और अपनी इम्यूनिटी डेवलपमेंट करे अच्छे से। और वैसे भी हम बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, तो हम पहली बार उसको देख रहे हैं सामने, प्रेजेंटली हम देख रहे होंगे उसको, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी बात है। तो प्राइम मिनिस्टर खुद युवाओं से इस बार जो है डायरेक्ट संवाद करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस है? बस क्या एक्सपेक्टेशंस है? हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। हाँ, वो हमसे मिल रहे हैं इस दिन, हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम प्लेयर उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में आप अभी थोड़ी देर बाद शामिल होंगे, कितनी खुशी है और क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे जो आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, और इसमें हमारे मेहमान होंगे प्रधानमंत्री इंडिया के। हम बहुत खुश हैं और ये भी एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और यही उम्मीद और आशा करते हैं कि आज प्रधानमंत्री के साथ हमारी इंटरेक्शन है तो हम भी अपनी राय रखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या चीज़ों की डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है।
तो ये पहली बार होगा कि आप एक प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करेंगे, क्या आपके मन में है, किस तरह के विचार है जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से स्पोर्ट्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और हम उम्मीद और आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में भी हमें स्पोर्ट्स एथलीट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, जम्मू कश्मीर के एथलीट्स को आगे प्लेटफॉर्म्स पे भेजा जाए। हम ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और प्रधानमंत्री के साथ हमारी जो आज की इंटरेक्शन है इसमें हम यही बात रखेंगे कि एथलीट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है और उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज इस यूथ इंटरेक्शन में? अगर एथलीट्स को कहीं पे कमी पेशी लग रही है हम अपने तरीके से अपनी राय रखेंगे, उसके बाद उनका काम है कि, लेकिन हम यही आशा करते हैं कि जो आज इंटरेक्शन प्रोग्राम है इसमें हम सभी अपनी अपनी राय देंगे कि यूथ को कैसे प्रमोट करने की ज़रूरत है, यूथ को कैसे डेवलप करने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से जो कश्मीरी युवा है 7000 के करीब कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वो आज यहाँ श्रीनगर पहुँचे हैं, आज शाम बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कल जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में भी शामिल होंगे, प्रधानमंत्री खुद इस प्रोग्राम को लीड करेंगे। ये उनका पहला कश्मीर का दौरा है जब से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कैमरा पर्सन मीर महराज के साथ सोहेल, श्रीनगर।